क्या आप भी एक ऐसा स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो आपके बजट में फिट बैठता हो, साथ ही साथ जो है फीचर से लोडेड हो? आज इस वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा एक धमाकेदार स्पीकर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब थंब 100, जो कि है 28 वोल्ट आरएमएस के साथ। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कितना जानदार ये स्पीकर सिस्टम होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। आप इसकी जो है हम इसमें साउंड टेस्ट भी करके देखेंगे, साथ ही साथ जो है हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का इसका एस्थेटिक होने वाला है। तो पूरी आज की इस वीडियो में हमें जो है इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों मिस मत कीजिए, अंत तक पूरा देखिएगा, आपको इसके एक फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा और साथ ही साथ पता लग जाएगा कि कितना दम है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब थंब 100 के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हमें मिलने वाले फीचर्स की। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको ब्लूटूथ 5.0। इसके अलावा जो है प्री इनबिल्ट जो है इसमें FM भी दिया गया है आपको। इसके अलावा जो है कई सारे और फीचर्स लोडेड है इसमें। तो एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे और उससे पहले जो है इसके बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज में मेंशन करी गई है। जैसा कि सबसे पहले इसका जो है मॉडल मेंशन किया गया है, पोर्टेबल ट्रॉली स्पीकर है ये, और इसमें जो है हैंडल भी दिया गया है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और आरएमएस जो है इसमें 28 वॉट की दी गई है और साथ ही साथ जो है इसमें SD और MMC कार्ड जो आप लगा सकते हैं वो आपको 32 GB तक का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा। हालांकि इनका यूज आज के में बहुत कम हो गया है, आप जो है वहां पे पेन ड्राइव वगैरह यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो चार्जिंग टाइम इसमें दिया गया है, 4 घंटे का चार्जिंग टाइम दिया गया है। इसके अलावा 50% वॉल्यूम में आप जो है 3 घंटे तक यूज कर सकते हैं, काफी लाउड बेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको अराउंड 3-3.5 kg का वजन है इसका, जो कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह। अगर बात करूं दोस्तों इसकी MRP की और इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी MRP जो भी मेंशन करी गई है वो 7,699 रुपीज मेंशन करी है, और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है आपको 5,000 से 5,500 के बीच में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा बॉक्स में अगर मैं और भी फीचर्स की बात करूं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसमें कई सारे फीचर्स मेंशन करे गए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 20.32 cm का जो है इसमें फुल रेंज ड्राइवर दिया गया है। इसके अलावा माइक इनबिल्ट आता है इसके साथ, एक ऑलरेडी माइक आता है और माइक का एक जैक भी इसमें आपको दिया गया है। इसके अलावा RGB लाइट भी इसमें दिए गए हैं, ताकि आपको नाइट्स में जो है थोड़ा सा फ्लोर पे एक लाइटिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिले। वायरलेस माइक जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो है FM रेडियो इनबिल्ट मिलता है इसमें, माइक्रो SD स्लॉट इसमें आपको मिलेगा, ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा पेन ड्राइव की कनेक्टिविटी और USB की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा जो है 2-way स्पीकर डिजाइन किया गया है और जो है आपको बिल्ट इन बैटरी के साथ ही आता है। इसके अलावा जो है LED डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिए गई है और ट्रॉली डिजाइन जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है वो इसमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है ज्यादा देर न करते हुए एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसमें जो मिलता है हमारे को माइक, आप देख सकते हैं ये माइक दिया गया है, वायरलेस माइक है जो कि बहुत ही बढ़िया दिखता है, लुक आप इसका देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ करना ये है कि 2 AA की बैटरी इसमें आपको लगानी है और ये जो है रेडी टू पेयर होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं और क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। और इसके अलावा बात कर लें इसमें और मिलने वाली एक्सेसरीज की, तो एक हमारे को चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है, चार्जिंग लीड जो दी गई है, एक आपको ऑक्स की लीड मिलती है, हालांकि इसका यूज इतना ना के बराबर आता है लेकिन फिर भी दी गई है कंपनी द्वारा। इसके अलावा इसको निकाल लेते हैं सामान को, बॉक्स को रख लेते हैं साइड और रैप हटाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका लुक है, ऑन करके देख लेते हैं, इस तरीके का इसका लुक आ रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन RGB लाइट्स इसमें दी गई हैं स्पीकर्स में, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है आपको फुल रेंज ड्राइवर यूनिट यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी ट्रॉली की, तो आप ये देख सकते हैं ट्रॉली डबल उसमें दी गई है एक्सटेंशन में, यानी कि आप जो है इसको डबल साइड में जो है ऊपर उठा सकते हैं, इतना ऊंचा काफी मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है इसमें। तो इसको एक बार कर लेते हैं हम बंद और बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लुक के बारे में। तो यहाँ पे आपको ज़ेब्रोनिक्स का लोगो दिया गया है, मोनोग्राम लगाया गया है यहाँ पे, जो ये आपकी मेटल
ग्रिल दी गई है, यहाँ पे आरजीबी लाइट्स दी गई हैं, यहाँ पे जो है आपको ट्विटर यूनिट दिया गया है, बाकी ऊपर जो है नोब्स दिए गए हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं अभी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको व्हील्स दिए गए हैं और पूरा प्लास्टिक बॉडी है बाकी। और नीचे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको स्टैंड के लिए दिया गया है, यानी कि आप जो है स्टैंड पे भी माउंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके ऊपर वाले जो पॉइंट्स दिए गए हैं इस पे, तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, आप इसको एक बार बंद कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, डीसी सॉकेट दिया गया है 5 वोल्ट का, इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच और साथ ही साथ जो है यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे बेस का दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पे जो है आपको ट्रबल, यहाँ पे माइक का ऑप्शन और यहाँ पे जो है इक्वलाइजर और माइक की वॉल्यूम, ये यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा नीचे की बात करूं तो यहाँ पे डीसी का जो है 5 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोड दिया गया है और इसको लेफ्ट राइट वॉल्यूम प्लस माइनस प्ले पॉज और पेन ड्राइव और टीएफ कार्ड स्लॉट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसके ऊपर का ओवरव्यू है। लुक अगर मैं लुक की बात करूं तो आप इसे देख सकते हैं, काफी प्यारा लुक है, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, पोर्टेबल डिजाइन है, इजी कैरी है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई ज्यादा वजन भी नहीं है इसमें। एक नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आएगा जिसमें कि हम इसकी आउटडोर साउंड टेस्ट करेंगे कि आउटडोर में इसकी साउंड की परफॉर्मेंस किस तरीके से होने वाली है, तो उसके बारे में मैं अपने रिव्यू आपको दूंगा। तो जरूर से आप इसमें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने चाहने वालों में। अगर किसी को इस स्पीकर की रिक्वायरमेंट है, आपके फैमिली फंक्शंस वगैरह इंडोर जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं उसमें ये स्पीकर मैं समझता हूँ चार चांद लगा देगा आपका। और चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए इसकी साउंड सुनते हैं, और साउंड सुनने के बाद फिर बात करेंगे इसके बारे में कि ये साउंड परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। इसके लिए भी जरूर से मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आप में से कोई व्यूअर इसको जो है अभी यूज कर रहा हो तो उसका जो इसके बारे में क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। उससे होता यह है कि जो और व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जान पाते हैं कि क्योंकि एक जो मैंने रिव्यू दिया अपना वो कैसा रहा, बाकी आपने अगर यूज किया हुआ है तो आपके रिव्यू भी बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी रिव्यू देने में हिचकिचाइएगा मत, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों साउंड सुनते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपका इसका साउंड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है इसका साउंड आपको शायद माइक पे बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, सही लगा होगा मेरे हिसाब से, रिकॉर्डिंग जहां तक मैं समझता हूँ, बाकी वीडियो एडिट होने के बाद जब आपके पास पहुंचेगी तभी पता लगेगा कैसी आवाज है। लेकिन मैं अपनी अगर अपनी बात करूं तो साउंड जो है बहुत ही अच्छी है इंडोर लेवल के लिए। हाँ थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन जरूर होता है, नॉइज जरूर प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो आपकी जो लाउडनेस है उसके बीच में वो दब जाती है। जैसे कि मैं इसके पीछे बैक साइड में बैठा हुआ था तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी बॉडी थोड़ा सा वाइब्रेट हो रही थी, जो कि अगर मैं एक इस लेवल के जो बजट सेगमेंट के उससे उम्मीद यही कर रहा था कि ऐसा हो सकता है इसमें। बिल्कुल मैं ये नहीं समझ सकता कि 5-6 हजार रुपए का म्यूजिक सिस्टम जो है बहुत ही आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड देगा, लेकिन हाँ लाउडनेस बहुत जबरदस्त है इसकी, और क्वालिटी और जो फीचर दिए गए हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में इसमें दिए गए। जैसा कि मैंने एक आपको बताया था माइक के बारे में, तो माइक आपका इसमें देखिए आप ये दिया हुआ है और तो ये इसकी आपकी माइक की आवाज थी दोस्तों। तो माइक की आवाज भी बहुत अच्छी है इसमें, काफी सही लगा मुझे, हालांकि म्यूजिक पर्पज के लिए नहीं कह सकता मैं इसे, लेकिन आप कहीं पे पार्टी वगैरह में नॉर्मल पोएम्स वगैरह यूज करना चाह रहे हैं या फिर उसके अलावा कहीं पे आप कोई सिंपली कोई अगर आप वोकल यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है माइक, बहुत बढ़िया है, कॉर्डलेस में है और दिखने में भी बढ़िया लगता है। रेंज वाइज भी बात करूं तो रेंज वाइज भी ठीक है,
तो इस बजट सेगमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से ये स्पीकर जो है काफी बढ़िया है। आप 5000 टू 5500 की रेंज में ये स्पीकर ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स इसका मैं समझता हूँ मिलेगा आपको, बेनिफिट नो डाउट बहुत बढ़िया है इसमें। तो मेरी तरफ से ओके है, बहुत बढ़िया स्पीकर है, आप ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के टेक रिलेटेड मेरे वीडियो चैनल इस चैनल पे जो है आती रहती हैं, तो आप जरूर से उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा और जितना हो सकेगा उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हम जो है इसका आउटडोर साउंड टेस्ट करके देखेंगे, आउटडोर में इसकी परफॉर्मेंस चेक करके देखेंगे कि आउटडोर में पार्टी या गैदरिंग के लिए ये स्पीकर कैसा होने वाला है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक ये बेहतर होने वाला है क्योंकि ट्रॉली वगैरह दिया गया है, आउटडोर के लिए बैटरी दी गई है, तो जाहिर सी बात है आउटडोर में वर्किंग होनी चाहिए अच्छी। लेकिन वो सब कुछ आपको उसी वीडियो में पता लगेगा, तो जरूर से इस चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।